हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेम का ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के मोस्ट एमबी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ग्रुप थ्योरी और स्पेक्ट्रोस्कोपी के एमबी क्वेश्चन, जिससे को पढ़कर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, इसी से रिलेटेड, उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है, मतलब जितने भी मैंने क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी आ सकते थे, वो सारे ही टॉपिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इससे के बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं ना, टोटल कितने हैं, 25 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इन क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो सच में आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ला लेंगे, या साथ हो सकता है कि आप कॉलेज में टॉप भी कर ले, ठीक है। और सबसे पहले तो देखिए, 25 जो क्वेश्चन मैंने ये बोल दिए हैं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन तो सिर्फ इतने जल्दी, मतलब कि आप इसका सिलेबस, मतलब 25 क्वेश्चन का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास कम से कम 15 दिन या 1 मंथ का समय चाहिए, ठीक है, तभी आप ये कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनके पास बहुत कम समय हो, तो उन लोगों को के लिए भी मैं अलग से इनमें से ही क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है, जिसको पढ़कर आपका फर्स्ट डिवीजन इजिली बन जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वाली। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एमएससी से रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर आपको शेयर करती हूँ, और साथ में हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आपको एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने हैं बहुत ही कम प्राइस में, तो अभी ऑफर चल रहा है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो 400 रुपये में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जिसको भी चाहिए वो जल्दी से परचेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, मैं लॉन्ग क्वेश्चन पहले बता देती हूँ, ठीक है, उसके बाद में फिर आपको शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हम इस तरह से कम्प्लीट करते हैं यहाँ पर, कि आपको शॉर्ट आंसर शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करेंगे। तो यूनिट 1 से जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे, जितने भी हैं, तो वो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर से और जो मेरा नॉलेज के हिसाब से मैंने जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे उन सबको यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट 1 का, सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है। अब देखिएगा, ये मैंने जैसे कि आपको हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि अगर आप कोई भी एलिमेंट्स सिमेट्री एलिमेंट्स से आप कोई भी अगर जैसे कि सिमेट्री एलिमेंट्स का आप नोट्स या क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से कंप्लीट करना है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बनना चाहिए, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इस सारे के जो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशन का, ठीक है, जो मोस्ट एमबी टॉपिक है। उसके बाद में है पॉइंट सिमेट्री ग्रुप, ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे मैंने ऐड किया है मोलिकुलर वाइब्रेशन ऑफ H2O मोलिकुल, ये भी मोस्ट एमबी टॉपिक है गाइस, ठीक है। फोर्थ नंबर में है वेरिएशन एक्सिस एंड प्लेनर फॉर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये भी मोस्ट एमबी टॉपिक है। उसके बाद में फिफ्थ नंबर में मैंने ऐड किया है वेरिएशन वेरियस सिमेट्री एलिमेंट ऑफ बेंजीन मोलिकुल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है, बाकी के तो आते ही हैं, लेकिन ये वाला भी तो बेंजीन मोलिकुल का जो है आपको कम्प्लीट करके जाना है। फिर आगे देखेंगे यूनिट 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2nd नंबर में इसोटॉप सब्सटिट्यूशन इफेक्शन सॉरी इसोटॉपिक सब्सटिट्यूशन इफेक्ट, ये मोस्ट टाइम भी टॉपिक है। इसके बाद में है स्टार्क इफेक्ट, ये मात्रा यहाँ पर ये कोई इसे यहाँ लगाना भूल जाती हूँ, स्टार्क इफेक्ट। उसके बाद में 3rd नंबर में रिगिट रोटर मॉडल, तो अगर रिगिट रोटर मॉडल का आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो साथ में आपको नॉन रिगिट रोटर भी कम्प्लीट करना है, ठीक है, मतलब कि आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन ऐसा कम्प्लीट करना है जिससे कि रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 9th नंबर में क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है, डिटेल में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम यूनिट 3 देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मोल्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, जो कि आना ही है। लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर, यहाँ पे PQR ब्रांचेस भी मोस्ट टाइम पे है। उसके बाद में ये जो 0 पॉइंट एनर्जी वाला जो टॉपिक है, ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बताती हूँ मैं किस तरह से पूछेगा आपको।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको 0 पॉइंट एनर्जी का टॉपिक है, आपको दो नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में, या इस तरह से भी पूछ सकता है कि जैसे कि होता है ना, जैसे कि दो दो टॉपिक में टिप्पणी लिखिए, इस तरह से जो नोट्स दिखिए, इस तरह से जो होता है ना कि कोई दो टॉपिक में नोट्स दिखे, तो इस तरह से, तो जैसे कि 0 पॉइंट एनर्जी का पूछ देगा आपको, फोर्स कॉन्स्टेंट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पूछ देगा, और सिलेक्शन रूल के बारे में पूछ लेगा। तो ऐसे इस तरह से जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाकर पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आप नोट्स बनाइए दो टॉपिक पर, फोर्स कॉन्स्टेंट का पूछ लेगा, सिलेक्शन रूल का पूछ लेगा, या 0 पॉइंट एनर्जी का। इसलिए मैंने ये तीनों चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी, या दो दो नंबर से मैं भी पूछ सकता है ये एक एक करके, या तो फिर 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इतनी बस आई समझ में। उसके बाद में ये है फैक्टर अफेक्टिंग अफेक्शन और द बॉन्ड पोजिशन एंड इंटेंसिटी फॉर IR रेजन मेटल लिगेंड वाइब्रेशन, ठीक है, ये भी टॉपिक मोस्ट टाइम भी है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। उसके बारे में है 4 यूनिट्स जो है रमन इफेक्ट के बारे में, तो रमन इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रमन स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, रमन इफेक्ट के बारे में जो भी आपको नॉलेज है सब आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में फिर 17 नंबर में वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये भी मोस्ट टाइम भी है। उसके बाद में 18 नंबर में कोहरेंट एंटी स्टोक्स रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको जिसको शॉर्ट में CARS के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लास्ट में मैंने याद नो ऐड किया है इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम यूनिट 5 देखेंगे यहाँ पर। यूनिट 5 में है प्रिंसिपल ऑफ फ्रैंक कॉन्डन थ्योरी, 21 नंबर में एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, 22 नंबर में लिया है मैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, 23 नंबर में लिया है कूपमेंट्स थ्योरम, 24 नंबर में लिया है ESCA अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, और रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव इंटरकॉन्वर्सन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, इन सारे टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से रट लेते हैं तो क्या होगा, आपका बहुत अच्छा पर्सन बन सकता है, यहाँ से आप टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है, इसकी गारंटी है। अब हम शॉर्ट नोट्स के ऊपर देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आपको बता देती हूँ कि हाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी में शॉर्ट नोट्स किस तरह से आते हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है, मैंने मतलब कि यूनिट वाइज नहीं, इसमें मेरे को जो जो MP लगा मैंने वहाँ पर एड कर दिया। तो डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में पूछ सकते हैं यहाँ पर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो यूनिट आपकी फर्स्ट रहेगी, ये यूनिट फर्स्ट की है, तो इसमें आपको एलिमेंट्स के बारे में, सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्रीज के बारे में, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर में। तो इन सबको अच्छे से आपको याद कर लेना है। आगे है को मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पर देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि CO मॉलिक्यूल गिव्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा बट CO2 डज नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मिनट वेट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास 2021 का पहले भी देख लेते हैं, तो 2021 का क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट आंसर देखिएगा इसमें किस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि CO मॉलिक्यूल गिव्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा बट CO2 डज नॉट, ठीक है, इस तरह से। और क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, यहाँ पर नहीं दिया, तो देखिए कि ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा गिव द रीजन की कारण स्पष्ट कीजिए कि जो क्या होता है, आइज डज नॉट गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है, बल घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देता पर जल वाष्प क्यों देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर देखिएगा अथवा में भी दिया है कि गिव द रीजन द रोटेटिंग HCl मॉलिक्यूल गिव्स द रोटेशनल स्पेक्ट्रा बट H2O मॉलिक्यूल डज नॉट, ठीक है, कारण स्पष्ट कीजिए कि घूर्णन करता हुआ HCl अणु घूर्णन स्पेक्ट्रा देता है पर H2 अणु नहीं, ठीक है, इतनी मस्त आई समझ में। अब यहाँ पर देखिएगा ये भी शॉर्ट नोट्स में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट द सिमेट्रिकल वाइब्रेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल डज नॉट गिव वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बट द असिमेट्रिकल वाइब्रेशन गिव्स द स्पेक्ट्रा, ठीक है।
और यहाँ पर अभी देखिएगा ये क्वेश्चन है, गिव द रीजन दैट CO2 मॉलिक्यूल्स गिव रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा बट डज नॉट गिव प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये अगर ये आपको क्वेश्चन पेपर देखना है तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, MSc फर्स्ट सेम क्वेश्चन पेपर की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना ली है, तो उसको उसमें आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2021 का, 2022 का। तो यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब मैं ये समझाना चाह रही थी यहाँ पर कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि CO मॉलिक्यूल गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा बट CO2 डज नॉट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में द क्राइटेरिया फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और उसके बाद में है इंटेंसिटीज। ठीक है, उसके बाद में मैंने ये रमन इफेक्ट के बारे में पूछेगा आपको, उसके बाद में पूछेगा वेरिएशन लाइन ऑफ रमन स्पेक्ट्रा, उसके बाद में है फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें है 10 नंबर मैंने ब्रेक डाउन ऑफ ऑप्टिमियर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, 11 नंबर में ओवरटोन हॉट बैंड्स, तो ये भी मोस्ट टाइम भी है। ठीक है, और यूनिट 4 का यहाँ पर सिलेक्शन रूल भी आप रट लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में जो ज़्यादा अहम क्वेश्चन है, जो 4-5 दिन बच गए हैं और आपको उसमें तैयारी करनी है, इस कंडीशन में 4-5 दिन है और इस कंडीशन में आपको अगर एग्जाम की तैयारी करनी तब आप क्या करेंगे, तो हम शॉर्ट नोट्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स में आपको कौन कौन से क्वेश्चन कम्प्लीट रट के जाना है। ठीक है, जो कि अच्छे से तैयारी करनी है, तो देखिए ये 4 क्वेश्चन है, ये आपको कंप्लीट करके जाने हैं, रट के जाने हैं। ठीक है, इन सब का आपको नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको हमेशा एग्ज़ाम में आता रहेगा। ठीक है, आप चाहे थर्ड सेमेस्टर कर रहे हो, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में, ये सब चीज़ें आपको काम आएगी। उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है CO मॉलिक्यूल गिव द रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इसको आपको रट लेके जाना है। ठीक है, द क्राइटेरिया फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा का जो टॉपिक है, इसको आपको कंप्लीट करके जाना है, रट के जाना है। ठीक है, उसके बाद में फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो टॉपिक है, इसको आपको रट के जाना है। उसके बाद में है ब्रेक डाउन ऑफ ओपन हेमर्स अप्रोक्सीमेशन का जो टॉपिक है, इसको आपको रट के जाना है, और ओवरटन हॉट बैंड्स का जो टॉपिक है, इसको आपको रट के जाना है। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, ये 4 यहाँ से हो गए और ये 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है आपको यहाँ पर। ठीक है, इसको आपको एक ही ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ये सारे टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, मेरे चैनल पर मिल जाएंगे आपको, स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और काफ़ी इजी नोट्स बनाए हैं मैंने गाइस, आपको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, काफ़ी इजी से नोट्स है, तो जल्दी याद हो जाएंगे सारे नोट्स आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पर, कि ऐसे क्वेश्चन जिससे कि 4-5 दिन हैं आपके पास और आपके ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आपको, जो कि क्या हो 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाए और आपको परसेंट भी अच्छा बढ़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है, इसको आपको आता ही है, तो इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। उसके बाद में ये वाला जो टॉपिक है, इसको भी आपको कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, इसको भी आपको कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन कंप्लीट करके चले जाइएगा। उसके बाद में ये वाला जो है, इसको कंप्लीट करके चले जाइएगा, इसको देख कर चले जाइएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन H2O मॉलिक्यूल, इसको आप देख कर चले जाएंगे तो चलेगा काफ़ी, क्योंकि ये इजी सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो है 4 क्वेश्चन ये आपको रट के जाने। ठीक है, उसमें के बाद अब यूनिट 2 में देखेंगे तो इसो टॉपिक ये वाला जो है आपको उसको रट के जाना है। ठीक है, स्टार इफेक्ट, इसको आपको रट के जाना है। क्लासिफिकेशन, इसको आपको पढ़ लेंगे तो भी चलेगा आप। ठीक है, और ये जो है न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन इंट्रेक्शन, इसको भी आपको कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, और इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को आपको, इसको भी आप रट के जाइएगा। ठीक है, कब आ जाए कोई गारंटी नहीं है। और क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ऐसा टॉपिक है जो कि आप पढ़कर भी आप अच्छे नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो 4 चीज़ें आपको याद करनी है, कौन सी, इसोट्रॉपिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन इंट्रैक्शन, और रिगेटोटर नॉन रिगेटोटर। ठीक है, अब यूनिट 3 की बात करेंगे तो
ये चारों चीज़ें सारी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ का एक क्वेश्चन, ये वाला भी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पीआर इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं इसको आपको क्या करना है, आगे देखेंगे, आगे देखिएगा। जैसे कि 0 पॉइंट एनर्जी है, ये वाले हैं, इनको आपको क्या करना है, रट के जाने, ठीक है। तो चार, ये चार नंबर में आपको ये सारे क्वेश्चन आपको रट के चले जाने हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? अब आगे देखिएगा, अगर ये आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आएगा यूनिट 4, तो इसको आपको कंप्लीट करके जाना है, इसको आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। और इसको भी आपको कंप्लीट करके जाना है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आता है फ्रेंड कॉन्डन प्रिंसिपल, तो इसको आपको कंप्लीट करके जाना है। एप्लीकेशन ऑफ फोटो, इसको आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। देखिएगा फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको भी अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको कंप्लीट करके जाना आना है आपको, ठीक है। उसके बाद में ये शायद 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, पर इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और कुमेंस थ्योरम भी आपको पूछ सकता है, तो ये 4 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और रेडियो सिलेक्टिव का जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है इसको आप पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। और अगर अगर आ गया तो इसको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो काफ़ी इजी से नोट से आपको, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ईजी सी हैं, तो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो टॉपिक है आपको इसको पढ़कर चले जाएगा, 0 पॉइंट एनर्जी का है, सिलेक्शन रूल का है, तो इसको हम 9 कर लेते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, यहाँ पर तो 20 क्वेश्चन है, पर काफ़ी इजी से क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इक्वेशन तो होती नहीं है, मतलब इक्वेशन होती है बट आप में ये थ्योरीज भी ज़्यादा दी होती है, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 20 जो है क्वेश्चन आपको इजी से आप कवर कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे, और MSc फर्स्ट सेम के अगर नोट्स परचेस करें तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।